हाँ तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जिला मुजफ्फरनगर के बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं सभी, एक तो अप्रैल का महीना है, काफ़ी गर्मी है, और दूसरी चुनाव की आजकल सरगर्मी जोरों पर है। और अभी हम पहुंचे हैं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के गांव चोरावाला में। और जैसा कि यहाँ पे कल मतदान हुआ है, हमारे कुछ युवा साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ तो सर, कैसा मतदान हुआ है यहाँ पे? मतदान तो अच्छा हुआ है। आपने किसको वोट दिया है? हमने भाजपा को आप भाजपा को ही वोट क्यों देना चाहते हो? बस हम राष्ट्र हित में वोट दे रहे हैं, यानी करने को तो हमारे पास पूरी जोर से कुछ नहीं है। आपका, मोदी जी ने आपका कोई फायदा किया है? हमारा कुछ फायदा नहीं किया। और जैसा कि आजकल आप युवा हो और राहुल गांधी जी युवा नेता हैं, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हो? बस क्या सोचते हैं उनके बारे में, तो कुछ कह ही नहीं सकते। क्या कमेंट करें उस पर। और जैसा कि आपके यूपी में मायावती जी और अखिलेश जी 37 और 38 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री बनने के भी सपने देख रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अरे खिचड़ी सरकार कभी चली है क्या? ना कभी चली ना चलेगी। ये पब्लिक का चूतिया बना रहे और कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से मोदी जी को इस बार यूपी में कितनी सीटें मिलने के चांस हैं? मोदी को 60 सीट मिलने का आसार है। 60? अरे अच्छा, लिख और रहे भी हो यहाँ पे दोस्त भाई। खड़े हैं, और मैं इनसे जानना चाहूंगा। और हमारे भैया इधर, भाई साहब, आपका नाम? रणबीर। करमबीर। तो इस बार आपको चुनाव में क्या माहौल लग रहा है आपके क्षेत्र में? कल यहाँ पे जैसा मतदान हुआ है, काफी अच्छी परसेंटेज रही है, आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी मोदी की आप सरकार। मोदी जी को क्यों लाना चाह रहे हो? राहुल गांधी युवा है, वो कह रहा है कि मैं 6,000 रुपये महीना दूंगा। आप जैसा एक मीडियम तबके के लोग हो, आपको तो उससे फायदा है। नहीं, हमें उससे, राहुल से कोई फायदा नहीं है, हमें मोदी से फायदा है। अच्छा, जैसे ये राहुल गांधी कहता है राफेल, राफेल बहुत बोलता है राफेल के बारे में, तो आपको उसके बारे में क्या लगता है? वो काफी हद तक सही है या गलत है? अरे वो तो गलत झूठा है। आदमी है, झूठा आदमी है वो तो। तो वो चलिए इसी के साथ अभी बोला हमारे भाई और मेरे भी द्वारा। कुछ युवा यहाँ पे हैं। सर, आपका नाम? यहाँ आ जा मैन खान अच्छा, तो टोनी छोटे हो। पाल जी, आप भी युवा हो, तो आप इसके बारे में, जैसा कि अभी मतदान जारी है, मतदान की सरगर्मी बहुत जोरों से चल सही रही है करी पूरे भारत के अंदर, तो इसके बारे में आप, जैसा कि इस बार बता रहे हैं कि बहुत आज आओ भारी टक्कर होने आ वाली है यूपी के अंदर महागठबंधन और मोदी जी की भाजपा की, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं माँ, कोई ज्यादा टक्कर नहीं है। देखो ये गठबंधन तो, ये तो एक खिचड़ी ये सरकार है, इसमें कोई इतना बड़ा वो सोचने की बात नहीं है। बीजेपी की सरकार आओगी आपको लगता है बीजेपी आएगी? जी, पक्का होगी बीजेपी। वोट कर आएगी, रखा हमने बीजेपी को। तो राष्ट्रीय हित मोदी मिला के है। राज में आपको क्या क्या सुविधाएं, आपको क्या क्या फायदा मिला है? हमें तो ये सारा फायदा मिला। सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये है कि हमारी तरफ कोई भी जो अदर देश है, दूसरे देश है, दुश्मन देश है, वे इस सर नजर उठा के बात नहीं कर सकते हमारे से। गांव और में शांति है उसमें यार। जो हमें हमारी सेना है उससे बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है मोदी के राज में। तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? हमारे हिसाब से कम 52 सीट मिलेंगी इसे कम से कम। और जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं 6,000 रुपये महीना दूंगा जो गरीब तबके के लोग हैं, तो मोदी जी ने तो आपको कुछ भी नहीं दिया होगा, उसके मुकाबले आप राहुल गांधी को वोट दोगे तो आपका फायदा 6,000 रुपये महीना मिलेंगे? अजी ऐसा है, देखो 6,000 रुपए की बात रही, 6,000 देगा जब भी रोटी खाएंगे, और नहीं देगा जब भी रोटी खाएंगे। और इसका राहुल गांधी का हिसाब तो ऐसे ही लगे हैं, मैं इसका सही हिसाब नहीं लगे। अच्छा, जैसा यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा था कि मैं चोरों को जेल में डाल दूंगा या उन्हें रहने नहीं देने का, उसके बारे में यहाँ पे यूपी में कुछ माहौल, किस टाइप का माहौल है? शांति है कुछ? बहुत बढ़िया माहौल है जी। अपने कैसे फ्री जाओ रात भी रात को, अच्छा जी, कहा कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं कैसे तो सामान आपके पड़ा हिसाब से है। मोदी सरकार यहाँ पे पक्की है? और हमारे इधर एक और, हाँ जी हाँ इनके सर, आपका नाम? मुकेश कुमार। अच्छा, तो मुकेश कुमार जी, आपके हिसाब से आपके यूपी में किसकी सरकार के चांस हैं? यूपी के अंदर जो है मोदी जी के एरिया। मोदी जी। तो हाँ। जैसा कि इधर यहाँ ये सारा महागठबंधन हुआ हुआ है, और एक तरफ अकेले मोदी जी लड़ रहे हैं यूपी में, तो आपके हिसाब से मोदी जी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? मोदी जी को लगभग 60-65 मिल जाएगी। अच्छा, तो मोदी के, जैसा कि मोदी के राज रहा है 5 साल, आपको मोदी राज में कोई फायदा हुआ? मोदी राज में तो बहुत सुख शांति रही, गुंडा राज खत्म हुआ और तिरछन भी बंदी, बहुत ही अच्छा राज रहा। चलो ठीक है, अच्छा, ओके। और सुमित बंजारा स्टार न्यूज चैनल से, मैं मनोज कुमार और मेरे साथी सुमित कुमार के साथ, स्टार न्यूज चैनल, ओके।